नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरुजी। आज हम बताएंगे त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली पूजा का खर्चा कितना आता है, पितृदोष पूजा का खर्चा कितना आता है और त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन का कितना खर्चा आता है और इसके शुभ दिन कौन से होते हैं। सबसे प्रथम में नारायण नागबली जो पूजा होती है, 3 दिन की पूजा होती है, उसका मुहूर्त होता है। मुहूर्त के 1 दिन पहले आपको त्र्यंबकेश्वर आना पड़ता है, जिसमें आपको 3 दिन का टाइम लगता है। 2 व्यक्ति का रहना खाना, गुरु जी की दक्षिणा, संपूर्ण सामग्री मिला करके 7,100 रुपए का खर्चा आता है। उसके बाद में पितृ शांति पूजा में कितना खर्चा आता है। पितृ शांति पूजा 1 दिन की पूजा होती है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और 3,100 रुपए का खर्चा आता है। त्रिपिंडी पूजा में सेम खर्चा आता है, जिसमें 3 पीढ़ियों का पिंडदान किया जाता है, तर्पण मार्जन किया जाता है, ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है, ये सारी चीजें की जाती है। और मुहूर्त के लिए नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरु जी का, वहां से जाकर के संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी के लिए संपर्क करें पंडित अनुराग गुरु जी से। यदि त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूजन की बुकिंग करवा सकते हैं अनुराग गुरु जी से। ओम नमः शिवाय।